माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपीएमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहां बयान दर्ज करने अभ्युक्षित नहीं था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा है कि परिवाद में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं, ये निराधार हैं, इन राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूं। अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियुक्त है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। यस यस आप कोश कई बार जो आपके पोजिशन की तरफ से बार बार बुलाए जाने पर भी नहीं आ रहे थे और अब अंतर्गत आना पड़ा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बार बार बुलाने के यहाँ बुलाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आए थे उन्होंने अपनी जमानत कराई थी, उसके बाद न्यायालय रिक्त हो गई थी, न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायालय जब क्षेत्राधिकार आया तो हमारी क्या से न्यायालय के क्षेत्राधिकार आने के पश्चात बिना विलंब किए हुए राहुल जी ने आके अपना बयान दर्ज कराया। ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट के काउंसिल या डिफेंस के काउंसिल जो जिस तरफ से रहता है कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है, तो राहुल जी जो है सदैव उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया है और मैंने पिछली बार कहा था कि न्यायालय का सम्मान करते हैं और नियत तिथि पर आएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज संसद की कार्यवाही चल रही थी, राहुल जी संसद की कार्यवाही को छोड़कर के आकर के न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ये है राहुल गांधी की विश्वसनीयता और न्यायालय के प्रति समर्पण और प्रेम और विश्वास। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।